गिरफ्तार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। जब तक उसकी खाल नोच न लूं ये मामला खत्म नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं उस्मान साहब, सही कह रहे हैं आप। कौन जानता था कि कुमार इदरीस हमसे गद्दारी करेगा। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हर एक को शक की नजर से देखेंगे। हर शय पर हमारी नजर होगी, हर सुराख की छानबीन की जाएगी, हर एक से पूछगछ करेंगे जब तक वो गद्दार पकड़ा नहीं जाता। गोक्तुक को मैंने एक फरीजा सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। किस किस्म का फरीजा उस्मान साहब? उन्हें दस्तावेजात चाहिए। गोक्तुक हेलन को बतौर दाना इस्तेमाल करेगा और वो गोक्तुक को उनके पास लेकर जाएंगे जिनको दस्तावेजात चाहिए। ये मुश्किल फरीजा है, बहुत मुश्किल। गोक्तुक के साथ अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा उसे भाई, कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन कोई गड़बड़ है। आप जाइए, सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाइए, तलाश करें गोक्तुक को। फिक्र ना करें उस्मान साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। कहिए मलहून खातून, बाबा की तरफ से कासिद आया है, वो पहुंचने वाले हैं। आपकी दी गई जमीनों का जायजा लेने आ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें ले आऊं। ठीक है, मैं उमर साहब से मिलना चाहूंगा, साथ चलेंगे। यकीनन मेरे बाबा आपसे ही मिलने आ रहे हैं उस्मान साहब, आप जहमत ना कीजिए। क्या कहना चाहती है मलहून खातून? मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे बाबा की आमद का सिर्फ हम तीनों जानते हैं। मलहून खातून, समझती हैं कि गद्दार आपके करीब तरीन लोगों में से है उस्मान साहब। तो अपने बाबा की हिफाजत करना चाहते हैं। उनके साथ बेहतरीन सिपाही हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, इसीलिए मैं अपने बाबा को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को मालूम हो। फिक्र मत कीजिए, किसी को मालूम नहीं होगा। आपके बाबा और कबीला मेरी दी गई जमीनों पर खैर खैरियत से रहेंगे और मेरे सिपाही हिफाजत करेंगे। तो ठीक है, मैं अपनी तैयारियां शुरू करती हूँ।
तो उस्मान साहब, क्या वाकई आप उमर साहब से मिलने जा रहे थे? मैं किसी सरदार से मिलने नहीं जा रहा, अपने लश्कर के बहुत ही अहम हिस्से से मिलने जा रहा हूं। तो फिर आपके रास्ते आसान हो उस्मान साहब, जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आए इंशाल्लाह। बाला खातून, जब से मलहून खातून इस कबीले में आई है, तुम खामोश सी रहने लगी हो। जनाब, उसकी नजरें हमारे कबीले के चारों तरफ रहती हैं। वो यहाँ के हर काम में दखल अंदाजी करती है। बाला, यहां आने के बाद उसने काफी गद्दारियां देखी हैं, और अपने कबीले की फिक्र करना उसका हक है। आप पर जो एतमाद नहीं करते, मुझे उन पर एतमाद नहीं। इजाजत चाहती हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। एक बड़ी फौज के हाथों से उस्मान आसानी से कैसे फरार हुआ? शिकस्त हो गई थी उसे, जंग में शिकस्त हो गई थी। सब सिपाहियों ने उस्मान को शिकस्त खाते हुए देखा, हत्ता कि यह आपके लिए एक फतह समझी जाती। दुंदार साहब, कैसी फतह? उसने फलाती उसको पकड़ लिया। मुझे इसमें कोई शक नहीं, उसे खामोश रखने के लिए आपने इकदाम उठाए होंगे। उससे तो साउच नहीं मटलेगा। हमारे सिपाही शहीद हो गए, वो सब के सब मेरे बेटे थे, सब के सब। आपका दिल टूट गया होगा यकीनन। आपके खून आलूद हाथों को उस्मान के खून से साफ करने का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्द या बदेर उस्मान जान जाएगा। आप फिक्र न करें, मैंने उस्मान पर इतनी बड़ी बला मुसल्लत की है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता है। कौन है वो? कियातों का शिकारी कुत्ता, कारा शमान, दो गाय।
सोगाए नोयान का बेटा है। नोयान का मतलब है मरने से पहले एक बार फिर मेरी किस्मत में सांप का नाम सुनना लिखा था। दुश्मन हमें अपने अबाव अजदाद से विरसे में मिले। ऐसा ही है उस्मान साहब, अर्तुरुल साहब के साथ मिलकर भी हम इस शैतान का नामो निशान नहीं मिटा सके। अब ये मौका आपको मिला है कि आप इसका नामो निशान मिटा दें। नोयान के दुश्मनों ने उसके कबीले पर हमला करके उसके अहले खाना को कत्ल कर दिया। उसके भाइयों को कैद कर लिया गया लेकिन वो खुद भाग निकला। वो जंगलात में ही बड़ा हुआ और जंगली जानवरों का दूध पीकर बड़ा हुआ है, और उसी दौरान वो एक मलून शमन के हाथ लग गया। तो ये वजह है कि उसको तोगाए कहते हैं। ऐसा ही है भाई। और उसके दूसरे भाई? तोगाए ने उन्हें बचा लिया, वो अब मिलकर काम कर रहे हैं। जब मैं हलम में था तो मैंने लोगों को कहते हुए सुना था हजूर, वो ये यकीन रखते हैं कि पानी उन्हें डबो नहीं सकता और आग उन्हें जला नहीं सकती। कई साल गुजर गए, ऐसे दुश्मन की हसरत रही है। साथियों, अपनी तलवारें तेज कर लीजिए, इंतकाम की आग भड़का दो। अगर उस मलून के टुकड़े टुकड़े करके गिद्धों को ना खिला दूं, तो मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान मत कहना। गेहातू ने उसे हमारी आबादकारी रोकने के लिए भेजा है, और मुझे यकीन है अगर तोगाए यहां आ गया है तो परेशानी हमारे सरों पर रहेगी। कल सोत में सरदारान का जिरगा मुनक्कद होगा। उमर साहब ने कहा है कि वो मेरी दावत का जवाब जरूर देंगे। जो भी कबाइल हमारे साथ है उनके सरदारान सोत आएंगे। दुदुर्गा के सरदार इवास के सिवा हिफाज इकदामात में इजाफा करना होगा भाई। फिक्र ना करें हुजूर। शुक्रिया शुक्रिया। दाऊद साहब, अब गोकतूक के साथ जाइए, भाईजान से कुछ सलाह मशवरा करना चाहता हूं। उस्मान साहब, चूंकि उस्मान साहब हमें यहां तक लेकर आए और हमें सरदारान के जिरगे में मधु भी किया, वो जरूर मुझसे कुछ चाहते हैं। उन्होंने तमाम सरदारों को दावत दी है, यकीनन किसी नई मुहिम का आगाज होगा। जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उस्मान साहब के खत के बाद आप उनकी आबादकारी की दावत को कबूल कर लेंगे। जैसे कि अनातोलिया के तमाम सरदार कतार में खड़े हों और उन्होंने उमर साहब को जमीन की पेशकश की हो और उमर ने इनकार कर दिया हो। तुम्हें मालूम है चरमियानेलो, हामिदीन और कूनिया में हम वहां बगैर इजाजत अपने जानवर भी चरा नहीं सकते। जहां भी आबाद होने की कोशिश की उसका पहले ही कोई मालिक होता है। तो इन सरजमीनों का कोई मालिक नहीं है बाबा? क्या अर्तुरुल गाजी और उस्मान साहब के पास कोई ऐसी जमीन है जो उन्होंने बाजंतीनियों से ना ली हो? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। बहुत सी ऐसी सरजमीने हैं जो काफिरों से लेनी होंगी। अपने इर्द गिर्द नजर डालो, क्या उस्मान साहब से बड़ा कोई सरदार है यहाँ? बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस्मान साहब अभी जितने दुश्मनों में घिरे हुए हैं बाबा, क्या हम काई कबीले पर भरोसा कर सकते हैं? बायंदर की सलामती, काई की सलामती सब एक है। जो भी बच गया वो तुर्कों का परचम नहीं गिरने देगा बेटी। अरमीन बेले में उस्मान साहब पर जो घात लगाकर हमला हुआ है वो हमारी बात की तस्दीक करता है। मेरी बात सुनो, ऐसा ही होता है। गद्दारी दूर से नहीं बल्कि करीब से होती है, ये कभी ना भूलना। तुमने किसी सबूत का जिक्र किया था, कहाँ है वो? मैंने अपने खत में आपको एक कत्ल के बारे में बताया था और ये मुझे उसी जगह से मिली है।
देखते हैं ये अंगूठी आखिर किसकी हो सकती है। पलाती उसकी जान लेकर कबीले में मौजूद गद्दार को ढूंढने से रोक दिया है मुझे। मैंने कसास का हक इस्तेमाल किया है मेरे भाई, कसास मेरा हक था, चचा जान का भी यही ख्याल था। दुंदार चचा ने आपसे यह कब कहा, फलादियूस को मारने से पहले या फिर उसके बाद? क्या फर्क पड़ता है इससे उस्मान साहब? बहुत फर्क पड़ता है भाईजान। फलादियूस को कत्ल करने से थोड़ा ही पहले अगर आप इस वक्त गुस्से में हैं तो यह गुस्सा इस्तेमाल करें किसी फायदे के लिए। मेरी मदद करें भाई कि उस गद्दार को मैं तलाश कर सकूं कि जिसके हाथों पे बायोजा का खून है। मेरे लिए इससे और ज्यादा बेहतर क्या काम हो सकता है उस्मान साहब? शुक्रिया। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। उमर साहब की तरफ से वापस आते हुए तुमने उस्मान पर हमला क्यों नहीं किया? रूहे दुश्मन का नहीं बल्कि भाइयों का खून जमीन पर बहाना चाहते थे। किस रूह और किस खून की तुम बात कर रहे हो? तो गए अगर तुमने उस्मान को नहीं मारा तो तुम्हारे क्या इरादे हैं? किसी को भी एक तीर से मार देना बेवकूफों का काम है। हदफ पर लगने वाला एक ही तीर जो एक माहिर शिकारी के हाथों में हो तमाम कबाइल को आपस में लड़वा देगा। याद रखना तुर्क शहीदों का मातम नहीं करते बल्कि अपने भाइयों के खून का मातम करते हैं। ये एक ऐसा मातम होता है कि ये खून ही खून और गद्दारी ही गद्दारी लेकर आ सकता है। ठीक है तुम बोलो मैं सुन रहा हूं। उस्मान मरेगा और कुंदुज उसकी जगह आ जाएगा। साउची के मरने के बाद उसकी जगह कोई और। उस्मान के मरने से उसके बाबा अर्तुल का ख्वाब नहीं मरेगा। मैं जो चाहता हूं वो उस्मान का खून नहीं है। मैं जो चाहता हूं जिसकी नदियां बहाई जाएंगी वो भाइयों का खून है। उस्मान को इरलिक खान उस्मान को मेरे हाथ से एक डरावना ख्वाब दिखाएगा। सुना है कि उस्मान सोत में एक जिरगा मुनक्किब करने वाला है और उसने हर जगह इकदामात में इजाफा भी किया है। उस्मान की फराहम करदा सरजमीनें लेने वाले सरदारान यहाँ इकट्ठे होंगे माँ सिवाय दो दरगाह के सरदार एवास के। जब सोत में इस कदर इकदामात उठाए गए हैं तो तुम क्या करोगे? तो गाय एवास साहब मुझे मेरी मर्जी से भी ज्यादा भाइयों का खून देंगे। जब तो गाय का तीर निशाने पर लगेगा तो उस्मान के बाबा का ख्वाब बस ख्वाब रह जाएगा और तमाम सरदारान उस्मान के दुश्मन हो जाएंगे। क्या एवाज साहब तुम्हारा हदफ होंगे? मैं एवाज साहब का निशाना लेकर उमर साहब को मारूंगा।
तुम जिरगे में कैसे दाखिल होगे? सांप बिल में चला ही जाता है। तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं जहां से तुम सांप की तरह जाओगे। जब से हम सोत में आए हैं, हमने हर जगह सुरंगें खोदी हैं। तुम अभी इस जगह पर हो। ये सुरंगें हैं जो गिरजाघर और सराय की तरफ जाती हैं। अगर तुम इस सुरंग में चलते रहे तो यह तुम्हें सीधा सराय के बावर्ची खाने में लेकर जाएगी। किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ तुम्हारे जैसा सांप ही ऐसा सोच सकता है। सोत में कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। गद्दारी का मौका नहीं दिया जाएगा। बाला, मैं चाहता हूं तुम कल मेरे साथ चलो और तुम खवातीन पर नजर रखोगे। आप फिक्र ना करें उस्मान, चाहे जो भी आ जाए आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पे यकीन है बाला, मैंने जब भी तुम्हें कोई फर्ज सौंपा मुझे मायूसी नहीं हुई। और उमर साहब, उन्हें दावतनामा भिजवा दिया है, वो जरूर आएंगे। मलहून खातून भी क्या उनके साथ आएंगी? उमर साहब का बेटा नहीं है कोई, तो वही आएगी यकीनन। अगर बेटा होता तो फिर मलहून खातून शेखीना बगाड़ती कि वो सरदार की बेटी है। अगर वो सरदार की बेटी है तो सरदार तो शेख अदबाली भी है, और उसे जब ये एहसास हो जाएगा तो वो तुम्हें हकीर समझना छोड़ देगी। सोचा मेरी जान के टुकड़े, सोचा मेरे प्यारे, प्यार करूं मैं तुझको हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया गया है कि कयामत के दिन हमें हमारे नाम और हमारे बाप दादा के नामों से पुकारा जाएगा। इसी वजह से हमें अपने बच्चों के नाम सोच समझ कर रखने चाहिए। आज से तुम्हारा नाम अर्तुरुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله तुम्हारा नाम अर्तुरुल है तुम्हारा नाम अर्तुरुल है तुम्हारा नाम अर्तुरुल है। जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जल्द से जल्द शेख साहब से मिलना चाहती हूँ। किस वजह से खातून? बायोजा के जनाजे में मैंने शेख साहब को सुना था। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। क्या ऐसी ही बात है? बताइए मुझे सावची। हमारे रब ने हमारी पाक किताब में फरमाया है। मैं भी ये सब कुछ जानकर मुसलमान होना चाहती हूँ। किसी को भी हथियार के साथ अंदर आने की इजाजत नहीं। सरदारों को भी नहीं? किसी को भी नहीं। जो आपका हुक्म। उस्मान के लिए तोहफा। गुंजा खातून,
आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बाला खातून के साथ आई हूँ, यहाँ मदद करवाने के लिए। खैर तो है ना बरान, इस मुस्कुराहट की वजह जान सकती हूँ? मैंने शादी की तैयारियों का आगाज कर दिया है। मैं भी कर रही हूँ, अल्लाह ये वक्त जल्द दिखाएगा इंशाल्लाह। जैसा मेरे सरदार ने कहा था, हम जंग भी करेंगे और शादी भी। हमें मौत की खबर मिलेगी तो हम इन्हें खुशखबरी देंगे। हम जिंदगी के साथ साथ जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। उमर साहब, माफी चाहता हूं लेकिन आपको अपने हथियार यहीं छोड़ के जाने होंगे। वो क्यों? सरदार का हुक्म है ये जिरगे की हिफाजत की खातिर। तो ये लो। आइए।